आइए शुरू करते हैं। मैं तो हमारी हीरोइंस के बारे में भूल ही गया, और यह रही वो। अच्छा तो पहले कौन जाएगा? मैं तैयार हूँ और मैं दबाऊंगी यह वाला। तुम बहुत बहादुर हो मिरांडा, यह जारी रखना। तुम्हें गम का एक पूरा कटोरा मिलता है। मुझे तो यह रखने में बहुत अच्छा लगता, लेकिन नियम है कि यह तुम्हारा है। मैं यह देखने के लिए इंतजार नहीं कर सकती कि मुझे क्या मिलेगा। ओह, क्या स्वादिष्ट खुशबू आ रही है। मुझे लगता है यह च्युइंगम है। बिल्कुल सही, ये कितने मीठे हैं। एकदम वैसा जिसे मुझे पसंद है। मुझे पता था तुम्हें पसंद आएगा। मजे लो। खैर, एमा की बारी है। क्या तुम बटन दबाने के लिए तैयार हो? हाँ, बस आंखें बंद करके। यह बुरी योजना नहीं है, तुम्हें यह निराश नहीं करेगा। तुम्हें दूध के साथ सीरियल मिलता है। कितना ठंडा है, मुझे ऐसा लगा जैसे मैं बर्फीले पानी में नहा रही हूँ। यह क्या है? वाह, दूध के साथ ये सीरियल बहुत बढ़िया है, मुझे ये पसंद आया। अब इसे चखने का समय है। अच्छा है कि मैं एक ग्लास ले आई और इसमें थोड़ा डाल लिया। मैं देख रहा हूँ कि तुम बहुत ही खुश हो और इससे मुझे खुशी मिलती है। खैर, अब मिरांडा के पास जाने का समय है। वो यहाँ कैसी है? मैं एकदम ठीक हूँ। सच है, जबड़े चबाने में थोड़े थक जाते हैं, लेकिन कोई बात नहीं। मुख्य बात यह है कि मेरे पास गम है, बहुत सारा गम, और मैं इससे बबल्स बना सकती हूँ। मुझे लगता है कि मैं बहुत अच्छा कर रही हूँ। देखो ये कितने बड़े हैं। सुपर, मैं और बनाऊंगी। अब मुझे रोका नहीं जा सकता। यह बॉक्स बहुत ही सुंदर हो गया है, बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन क्या होगा अगर सभी बबल्स को एक बड़े गुच्छा में इकट्ठा कर लूं? मुझे लगता है कि एक कमाल का निकलेगा। तुम कहाँ जा रही हो मिरांडा? हमारी चुनौती अभी शुरू हुई है। रुक जाओ, अभी वापस अपनी सीट पर आओ। मुझे समझ नहीं आ रहा वहाँ क्या हो रहा है। मिरांडा गुब्बारों के साथ उड़ गई है। उसे वापस लाने के लिए कुछ करना ही होगा। तुम मुझ पर भरोसा कर सकते हो, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। अरे क्या चल रहा है, मेरे गुब्बारे कौन फोड़ रहा है? अरे नहीं, मैं गिर रही हूँ। देखो, मैंने तुमसे कहा था मेरी योजना काम करेगी। धन्यवाद एमा, तुम जीनियस हो। मिरांडा अपनी सीट पर वापस जाओ। मुझे लगता है उसे ठीक होने में थोड़ा समय लगेगा। इस बार कौन शुरू करेगा? मिरांडा, शायद तुम। ठीक है, मैं बटन दबाने के लिए तैयार हूँ। बहुत बढ़िया, एक इनाम के रूप में तुम्हें एक कमाल का चीज मिलता है। कितनी बढ़िया खुशबू आ रही है, मुझे एक टुकड़े को चखने में कोई दिक्कत नहीं होती। ओह, चोट लग रही है। ये क्या है? बस करो, मैं करीब से देख लूंगी। अच्छा, क्या तुम संतुष्ट हो? जल्दी खाकर देखो। सच कहूँ तो मुझे चीज बिल्कुल पसंद नहीं है। आशा है कि मुझे अच्छा लगेगा। अरे हाँ, वाह, धन्यवाद। अंत भला तो सब भला, लेकिन एमा के लिए अभी सब कुछ अभी शुरू हो रहा है। वाह, उसने पहले ही बटन दबा लिया, बहुत अच्छा। एमा बस बस प्लीज डरना मत, तुम्हें कुछ खास चीज मिलती है। ये चूहे हैं, मैं मानता हूँ मैं खुद उनसे बहुत डरता हूँ। चलो डिब्बे में जाओ, मैं ज्यादा देर तक तुम्हारे साथ अकेले नहीं रहना चाहता। आगे बढ़ो दोस्तों, मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई मुझ पर रेंग रहा है। मदद करो, अभी इसे रोक दो। माफ करना एमा, ये खेल के नियम है। मुझे चूहों से डर लगता है। मुझ पर से उतरो चूहे, तुम मुझे पसंद नहीं हो। रुक जाओ, मैं मानसिक रूप से तुम्हारे साथ हूँ, इतना काफी नहीं है। मुझे जल्दी बाहर जाने दो। मैं चीज को इतना खराब मानती थी, और यह पता चला कि यह स्वादिष्ट है। मुझे लगता है एमा चीख रही है, शायद उसे भूख लगी हो। और यह क्या है? मैंने फिर से तो बटन नहीं दबाया। वाह चीज, अच्छा है इससे चूहे बिजी हो गए। मुझे माफ कर दो एमा। और यहाँ एक नए दौड़ की शुरुआत होती है। मिरांडा, मुझे पता है कि तुम यहाँ सबसे बहादुर है, शुरू करो। बहुत बढ़िया, चुनाव हो गया है। मैं तुम्हें जल्दी वह देता हूँ जिसकी तुम हकदार हो। आशा है कि तुम इस हरे स्लाइम का मजा लोगी, ये बहुत अच्छी तरह से फैलता है। सुपर, मैं इसे वापस देना पूरी तरह से भूल गया। प्लीज मिरांडा, ये ले लो, ये तुम्हें आराम करने में मदद करेगा। बहुत बुरा, स्लाइम को जार से बाहर आने में इतना समय लगता है। छी, ये क्या है? ये किसी तरह का हरा कीचड़ है क्या? कितना गंदा। हालांकि एक सेकंड रुको, काफी अच्छी खुशबू आ रही है। मुझे लगता है कि स्लाइम है, मुझे इसके साथ खेलना अच्छा लगता है। देखो ये कितनी अच्छी तरह से फैलता है। बहुत बहुत धन्यवाद, ये बहुत अच्छा है। ओ, मैं एक और चीज के बारे में पूरी तरह से भूल गया, ये भी मिरांडा के चुने हुए बटन के पीछे छिपा था। ये स्लाइम बॉल्स कमाल के लग रहे हैं,
मुझे यकीन है कि मिरांडा क्वीन के साथ और भी मजा आएगा। और यह क्या है? क्या मुझे सब नहीं मिला जो मुझे मिलना चाहिए था? वाह बॉल्स, ये बहुत सुंदर है। कितने रंगीन, बढ़िया। मैं क्रंची स्लाइम बना सकती हूँ। मुझे और बॉल्स चाहिए। जैसा कि मैंने सोचा, मिरांडा बिल्कुल खुश है। यह तो पक्का है, मुझे इतने सारे मिलने की उम्मीद नहीं थी। अब वो निश्चित रूप से खेलने में फंसी हुई है, तो मैं एमा के पास जा रहा हूँ। माफ करना मिरांडा, मुझे जाना होगा। क्या हाल है? मैं अपना मन नहीं बना पा रही, मुझे ये पसंद नहीं है। लेकिन तुमने फिर भी फैसला ले लिया और तुम गलत नहीं थी। दुनिया में सबसे अच्छे साबुन के बबल्स के साथ एक फोम पार्टी तुम्हारा इंतजार कर रही है। मैं ये अभी तुम्हें देता हूँ। साबुन के बबल्स, वाह ये बहुत अच्छा है। मुझे और बबल्स चाहिए। मैं जितना हो सके उतना कर रहा हूँ एमा। धन्यवाद, मुझे ये बहुत पसंद है। मैं मानता हूँ यह मजेदार है। वाह कितना बड़ा बबल है। अरे बाप रे, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं इसके अंदर हूँ। बहुत खूब। इन भावनाओं को शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। ओह माय गॉड, एमा तुम वहाँ कैसे घुसी? अरे तुम कहाँ जा रही हो? रुक जाओ, बॉक्स में वापस आओ। मिरांडा मुझे क्या करना चाहिए? एमा उड़ रही है, क्या हुआ? दोस्तों ऊपर से देखने पर तुम कितने छोटे हो। चिंता मत करो, मैं इसे वापस ले आऊंगी, वो हमें छोड़ नहीं सकती। वाह क्या निशाना था, बहुत बढ़िया। मदद करो, मैं गिर रही हूँ। ओह कितनी जोर की चोट लगी। आशा है कि वह ठीक है। हाँ लगता तो है, हम एक कमाल की टीम है। और फिर से तुम्हें एक बटन चुनने की जरूरत है। गुड लक मिरांडा, क्या तुम तैयार हो? हाँ आशा है कि मैं फिर से लकी होऊंगी। इसकी मैं तुम्हें गारंटी देता हूँ। तुमने फिर से बटन के साथ कोई गलती नहीं की। अगर तुम बस देख पाती कि यहाँ कितने खिलौने हैं, मुझे यकीन है तुम्हें ये पसंद आएंगे। ले लो, ये सब तुम्हारा है। ये कुछ हल्का और मुलायम सा दिख रहा है। वाह खिलौने, और सभी बहुत सुंदर है। मैं उन्हें कस के गले लगाना चाहती हूँ। भालू तुम मेरे फेवरेट हो। चलो मिरांडा खुश है। अच्छा ये वाला बहुत बढ़िया, और तुम भी मेरे पास आओ। ये बहुत प्यारा लग रहा है। असली खुशी, मैं इसमें दखल नहीं दूंगा। मैं एक शॉट लगाने के लिए तैयार हूँ। आशा है कि मेरा मन मुझे धोखा नहीं देगा। हम बहुत जल्द पता लगा लेंगे। तुम्हें असली स्लॉट मशीन मिलती है। वाह जॉयस्टिक, पता नहीं मैं इसके साथ क्या कर सकती हूँ। मैं इसे हिलाने की कोशिश करती हूँ, हो सकता है अचानक कुछ निकल आए। खेल शुरू हो गया है, ध्यान से। मैं सब कुछ समझ गई। मुझे खिलौनों को बॉक्स से बाहर निकालना होगा। खैर बहुत कोशिश करनी होगी। मिरांडा अब मेरी बारी है, मुझे माफ करना। यह क्या है, क्या हो रहा है? अरे वाह तुम बहुत अच्छा कर रही हो एमा। और यह सिर्फ शुरुआत है, जल्दी सारे खिलौने मेरे होंगे। ले लो एमा, बस मुझे मत छूना, मुझे इस बात का डर है। यह हुई ना बात एमा, मैं तुम्हारा फैन हो गया हूँ, ये जारी रखना। मैं रुकने वाली नहीं हूँ, मुझे बहुत मजा आ रहा है। ये मेरा फेवरेट भालू है। एक कमाल की जीत, मैंने सारे खिलौने निकाल लिए। क्या होगा अगर खेल जारी रखे? एमा बंद करो, कोई और खिलौने नहीं है। अरे नहीं लगता है मैं भी बन गई। मुझे जाने दो एमा, बस खेल खत्म हुआ। मिरांडा मैं तुम्हें बचाऊंगा, रुको। ऐसा लगता है कि सब खत्म हो गया है। उफ मेरी जॉयस्टिक अब काम नहीं कर रही है, अफसोस की बात है। क्या तुम थोड़ा ज्यादा नहीं खेल रही हो एमा? आउच, चुनौती समाप्त हुई। सभी को गुड मॉर्निंग, और कैंडी तुम्हें भी गुड मॉर्निंग। हाय सुजी, हम कहाँ हैं? क्या आप जानते कि अब क्या होने वाला है? नहीं बताओ, चिल्लाना बंद करो। एक बहुत ही शानदार और मजेदार चुनौती आपका इंतजार कर रही है। आपको बस बटन पर क्लिक करना है, और संजोग से आपके लिए सब तरह की अच्छी चीजें, या कहे तो उतनी भी अच्छी नहीं, आने लगेंगी। उदाहरण के लिए किसी को अंडे की बारिश नहीं मिलेगी, ऐसी छतरी निश्चित रूप से काम आएगी। और लाल बटन के पीछे क्या छिपा है?
तब ये अच्छा है, एक गोल्डन चाबी, कन्फेती और जाहिर है बहुत सारा पैसा। लड़कियों, क्या तुम नियमों को समझ गई? तो शुरू करते हैं। मुझे लाल बटन का प्रभाव पसंद आया, मेरा मन कर रहा है कि मैं इसे क्लिक करूं। सूजी, तुम्हारे लिए एक बुरी खबर है, इस बटन के पीछे एक बदबूदार चीज तुम्हारा इंतजार कर रही है। कितना भयानक है, आह कितनी जोर से चोट लग गई। सूजी के भाग्य ने साथ नहीं दिया। चलो देखते हैं कि क्या तुम भाग्यशाली हो कैंडी। मुझे इसका एहसास है। भाग्यशाली, बहुत सारी क्रीम तुम्हारा इंतजार कर रही है, तुम्हें पता नहीं है कि ये कितने होंगे। बहुत अच्छा, बहुत सारा कहाँ है। हालांकि स्वादिष्ट क्रीम कभी भी ज्यादा नहीं होती है। अब रंगीन और स्वादिष्ट स्प्रिंकल का समय है। कैंडी, क्या तुम तैयार हो? फिर ये लो। अरे वाह, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इतनी लकी निकलूंगी। बहुत स्वादिष्ट है। इतना ही नहीं है, अभी तो इस केक में चेरी डालना बाकी है और सच में मैं आज एक असली केक हूँ। सूजी, अब बटन दबाने की बारी तुम्हारी है। ओ, तुम्हारी किस्मत ने तुम्हारा साथ नहीं दिया, इस बार तुम्हारे पास मेडागास्कर तिलचट्टे का एक पूरा झुंड है। यह क्या है, यह सही नहीं है, सब इन बटनों की वजह से है, ये तुम्हारे लिए। ओ, अब क्या होगा? कोला होगा, तब तो मजा आएगा। वास्तव में तिलचट्टा कैंसिल हो गया है, सुपर, अब तो कोका कोला का समय है। हेलो, वाह, मुझे तो लगता है कि यही जिंदगी है। अगर मैं इस विशाल कप में सारा कोक जमा कर लूं, तो ये और भी अच्छा होगा। सूजी, तुम्हें खुद देखना चाहिए, तुम पूरी तरह भींग गई हो। लेकिन बटन के साथ कुछ अजीब हो रहा है, ऐसा लगता है कि शॉर्ट सर्किट हो गया है। नहीं, कोई जरूरत नहीं है, ऐसा मत करो। ओ हाँ, क्या तुम्हें लगता है कि तुमने पीने के लिए कोक लिया है? नहीं, यह कोला तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। अब कोका कोला के फवारे का समय है। हुर्रे! ओह, यह फवारा कुछ ज्यादा ही लग रहा है, हमें इसे रोकना होगा। मैं कौन सा बटन दबाऊं? शायद हरा। बहुत अच्छा कैंडी, मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ, क्योंकि तुम्हें यह स्वादिष्ट केक मिलने वाला है। केवल एक चीज जो तुम्हें पता होनी चाहिए कि यह बहुत भारी है। केक तुम्हारे सिर से बड़ा है। इसमें मजाक जैसा क्या है? वास्तव में अच्छा है, तो बहुत स्वादिष्ट है। अब केक पर एक कैंडल लगाने की जरूरत है। यह क्या हो रहा है? आह, कितना भयानक! आग, बचाओ! वहाँ क्या हो रहा है? अरे नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, इसे जल्दी से बुझाना होगा। मुझे पता है कि यह कैसे करना है। फायरमैन पीट इसमें हमारी मदद करेगा। पीट, मेरी मदद करो, इस फायर को बुझाओ। चिंता मत करो, हो जाएगा। बहुत बढ़िया, आपके सहयोग के लिए धन्यवाद। हाँ, धन्यवाद। बहुत गर्मी हो गई थी, लेकिन अब अच्छा लग रहा है। पहले कौन करेगा, कैंडी या सूजी? सूजी, चलो। मैं क्या चुनूं? लाल बटन, मुझे निराश मत करना। तुमने अच्छा पसंद किया, लेकिन एक बात है, मेरे पास पॉपकॉर्न बनाने का समय नहीं था, इसलिए सूजी को यह करना होगा। ओ नहीं, कॉर्न बहुत कड़े हैं। आह, यहाँ तक कि मेरे दांत भी उनका सामना नहीं कर सके। अपने दांत वापस अपनी जगह पर रखना होगा, ऐसे छेद के साथ नहीं रह सकते। अब सब सही है। सूजी को पॉपकॉर्न के बिना छोड़ना अच्छी बात नहीं है, इसे पकाने में ज्यादा समय नहीं लगता।
महक कहाँ से आ रही है और यहाँ इतनी गर्मी क्यों हो रही है? मुझे कितना पसीना आ रहा है। वाह, अब मैं समझ गई, पॉपकॉर्न, बहुत बढ़िया। वाह, ये तो मुझे भी मिल गया, वास्तव में बहुत बढ़िया, कूल और स्वादिष्ट। सूजी, वहाँ क्या हो रहा है? इतना पॉपकॉर्न कहाँ से आ रहा है? ये बहुत ज्यादा है, मैं इसका क्या करूँगी? ओह, बहुत गर्मी हो रही है। आग, मदद करो, बस इस आग को बुझाना होगा। कैंडी, मुझे बचाओ प्लीज, मैं जलने वाली हूँ। मुझे आशा है कि कम से कम बटन मुझे बचा लेगा। पीला बटन, मुझे तुमसे उम्मीद है। बर्फ। सूजी, यह तुम्हारे लिए थोड़ा तरोताजा होने का समय है, अब तुम यह लो। चोट लग रही है, लेकिन बर्फ के लिए धन्यवाद। आखिर अब यह इतना गर्म नहीं है तो मैं इस स्वादिष्ट पॉपकॉर्न को सुरक्षित रूप से खा सकती हूँ। कैंडी, बटन दबाने की तुम्हारी बारी है। रुको, यह पार्ट बहुत दिलचस्प है। मुझे लगता है कि मैं जानता हूँ कि तुम्हारा ध्यान कैसे हटाना है। उठ जाओ जल्दी, यह बटन प्रेस करने का समय है। चोट लग गई थी, मैं उठ रही हूँ। ऐसे क्यों चिल्ला रहे थे? मैंने हरा बटन दबा दिया। नहीं, या नहीं, मुझे कॉकरोच से नफरत है, प्लीज। और मैं इन्हें प्यार करता हूँ, खासकर तब जब वे इस चुनौती में बाहर निकलते हैं। तो मेरे अच्छे दोस्त, क्या तुम कैंडी से दोस्ती करने के लिए तैयार हो? तो तुम्हारे लिए उसके पास जाने का समय आ गया है। बस हो गया, मैं विनती करती हूँ। ओह, ये कितने सारे हैं, क्या करूँ? नहीं, मैं उनके साथ एक डब्बे में नहीं रह सकती। मदद करो, उन्हें मुझसे दूर ले जाओ या मुझे यहाँ से निकालो। ऐसा लगता है कि तिलचट्टे को तुम्हारे बाल बहुत पसंद है, लेकिन यह ज्यादा देर नहीं चलेगा। किसी भी तिलचट्टे को चप्पल से हराया जा सकता है। यह लो और यह लो, चलो जाओ। अब यह सही रहा। हाँ, मैं भी इसे अच्छी तरह से समझ गई। मेरे पास चप्पल नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि एक सफेद स्नीकर भी चलेगा। तुम कहाँ हो कॉकरोच? हाँ, एक बटन पर अटक गया है, अब मैं तुम्हें देखती हूँ। ऐसा लगता है कि मेरी समस्या बहुत जल्द हल हो जाएगी। कीड़ों को जहर देने का समय है। कैंडी, तुम इस चीज को सूंघ नहीं सकती, यह घातक है, तो एक गैस मास्क पकड़ो। हाँ जरूर, सभी को पता होना चाहिए कि किसी भी स्थिति में इंसेक्ट रेपेलेंट को सूंघना नहीं चाहिए। अच्छा तिलचट्टे, क्या तुम तैयार हो? चलो चलते हैं। हो गया, क्या यह काम किया? ऐसा लगता है हाँ। सूजी, तुम फिर से बटन दबा रही हो। मुझे अभी भूख लग रही है, तो क्या मुझे कुछ स्वादिष्ट मिल सकता है? क्यों नहीं, तुम्हारे पास फ्रेंच फ्राइज है, लेकिन हाँ, बहुत छोटा। बस इतना ही? क्या ये कोई मजाक है? मैंने कभी इतने छोटे फ्राइज नहीं देखे। लेकिन ये अभी भी बहुत स्वादिष्ट है। सॉस कहाँ है? मुझे सॉस चाहिए। लेकिन तुम्हें बहुत सारा सॉस मिलेगा। मुझे इतना नहीं चाहिए, मैं इसके साथ क्या करूंगी? ये बहुत ही घिनौना है जी। खैर, कम से कम आलू का स्वाद तो अच्छा होगा ही। कैंडी, तुम क्या देख रही हो? क्या तुम्हें ईर्ष्या हो रही है? मुझे लगता है कि मेरे लिए भी प्रेस करने का समय आ गया है। आखिरकार किसी को वास्तव में अच्छा पुरस्कार मिला। कैंडी, पैसे का एक पूरा सूटकेस तुम्हारा इंतजार कर रहा है। यह लो, इसे पकड़ो। वाह, मैं अमीर हो जाऊंगी। कितने सारे पैसे हैं? Oh, really? मुझे भी दो, कम से कम थोड़ा सा। लेकिन बस इतना ही नहीं है, मुख्य पुरस्कार अभी बाकी है। कितना भारी था, और इसका क्या करें? बिल्कुल, बिंगो, वह मुझे इस बटन पिंजरे से बाहर निकालने में मदद करेगा। आजादी। किसी दिन मैं भी निकलूंगी, तुम सुन रहे हो? किसी दिन। देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।
ऐसा होता है। कितना सुंदर केक है, मैं अपना सजावट चुनने के लिए तैयार हूँ। वाह गमी कीड़े बहुत अच्छे हैं। मेला जरा देखो तो कितने हैं। अब पहिया घुमाने की तुम्हारी बारी है। मुझे डर लग रहा है मुझे कुछ कम स्वादिष्ट मिलेगा। मुझे पता था असली कीड़े। छी उफ ये कितने भयानक है, मैं इसे अपने केक पर नहीं डाल सकती। तुम्हारे पास और कोई चारा नहीं है, पसंद हो या ना हो तुम्हें करना होगा। मैं अपनी आंखें बंद कर लूंगी ताकि मैं इसे ना देख सकूं। मम्मी ये चल रहे हैं, ये बहुत भयानक है। इतने कम क्यों, तुम्हें सारे डालने होंगे। मैंने नहीं सोचा था कि तुम इतनी खराब हो केट, मैंने तुम्हें अपना दोस्त माना था। हाँ देखने में तो अच्छा नहीं है, लेकिन ये मेरी गलती नहीं है, ये नियम है। मैं इसे अपने मुँह में नहीं डालना चाहती, कीड़े हिलेंगे, मैं पक्का इसे नहीं बच सकती। इस केक को बिना कीड़ों के तुरंत लेना होगा। ओह अभी भी घिनौना है, ये कीड़े के स्वाद से लथपथ था। ऐसा लग रहा कि मेरे चेहरे पर कुछ रेंग रहा है। नहीं नहीं हो सकता, फिर से कीड़े, मैं इसे तंग आ चुकी हूँ, मेरे बालों में भी घुस गए हैं, ये सब कब खत्म होगा। ओह क्या तुम थोड़ा सावधान हो सकती हो, मेरी नाक के ठीक नीचे कीड़ा उड़ गया। अच्छा है कि तुमने सब खा लिया और केवल मेरे गमी कीड़े रह गए हैं। इससे बेहतर सजावट नहीं है, मुझे यकीन है वे न केवल मेरे केक को सजाएंगे बल्कि इसे और भी स्वादिष्ट बनाएंगे। देखो कितना प्यारा है, इसे खाने का समय हो गया है। वाकई कमाल का लग रहा है और ये कितना स्वादिष्ट है तुम्हें पता नहीं है। मैं एक बार में पूरा केक खाने के लिए तैयार हूँ, इससे अच्छा कॉम्बिनेशन कुछ नहीं हो सकता है। केट तुम मेरे लिए चीज कर सकती हो, मुझे सिर्फ एक टुकड़ा दे सकती हो, प्लीज प्लीज। क्या बकवास कर रही हो, इसके बारे में सोचना भी मत, मुझे किसी और जवाब की उम्मीद नहीं थी। खैर कोई बात नहीं, अब मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगी यार। यह क्या है हमला, मैं अपने केक को बचा सकती हूँ, देखते हैं कौन ज्यादा ताकतवर है। तुम अपने आप को बचाओ, तुम ही बचाव करने वाली हो, मैं हमला करूँगी। ओह यह लो, तुम बहुत अच्छा कर रही हो, केक के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। मैं हार गई, मैं केक नहीं खा पाऊंगी, मैं यह याद रखूंगी। मेरे पास एक और आइडिया है। तुम क्या कर रही हो मिला, मुझे जाने दो, कोरा केक अब तुम्हारा है। अच्छा ठीक है, तुम एकदम पागल हो। मैं फिर से पहले पहिया घुमाने के लिए तैयार हूँ, मैं उड़ जाऊंगी, कितनी तेज हवा है। अरे नहीं नहीं हो सकता, ये तो लाल मिर्च है। आखिरकार तुम्हें कुछ खराब मिला, स्वादिष्ट नहीं। चलो देखें कि तुम इसे कैसे संभालती हो, मुझे यकीन है कि इस बार किस्मत मेरे साथ होगी। तुम्हें गमी आंखें मिली, यह सही नहीं है। और ऐसा क्यों, सब सही है, किस्मत ने फैसला किया है। देखो मेरे केक पर गमी आंखें कितनी अच्छी लग रही है। ओह माय गॉड, यह स्वाद का सबसे अच्छा कॉम्बिनेशन है, मुझे यह केक हमेशा याद रहेगा, मैं भी इसे खाना चाहती हूँ। क्या तुमने मेरे साथ शेयर नहीं किया था, तो मैं भी नहीं करूँगी। अरे मुझे अभी चोट लग जाती, लेकिन अब तुम निश्चित रूप से मेरा केक नहीं चुरा पाओगी। और वैसे मुझे इस कांटे की जरूरत क्यों है, मैं अपने हाथों से खाऊंगी, इसका स्वाद बेहतर होता है, और इसके अलावा एक बार में और भी बहुत अपने मुंह में डाल सकते हैं। मैं कल्पना कर सकती हूँ कि कितना स्वादिष्ट है, केक नहीं बल्कि एक मीठा सपना। तुम सही कह रही हो, लेकिन इसकी एक खामी है, ये बहुत जल्दी खत्म हो गया, केवल एक गमी आंख रह गई है। क्या होगा यदि मैं इसे फेंकूं और इसे अपने मुंह में पकड़ लूं? अरे नहीं मिस कर दिया, मुझे समझ नहीं आई कि कैसे हुआ। यह किस्मत का एक असली तोहफा है, मैं एक गमी चख पाई। अब अपना मिर्च वाला केक खाओ। मुझे याद दिलाने के लिए धन्यवाद। ठीक है चलो सजावट के साथ शुरू करते हैं। वैसे यह काफी अच्छा निकला, देखो ये रंग साथ में कितने अच्छे लग रहे हैं। चलो देखिए कि तुम्हारे केक का स्वाद कैसा है, इसके बिना भी काम चल जाएगा। लगता है मेरे पास और कोई विकल्प नहीं है, मुझे इसे खाना होगा। मुझे पहले से ही गर्मी लग रही है, मुझे मिर्च पसंद नहीं है। इतने कम क्यों, एक साथ कई टुकड़े खाओ। तुम देखना इसका कोई फायदा नहीं होगा। मुझ पर दया करने की कोशिश मत करो, पूरा खाओ। हो गया, आशा है कि अब तुम खुश होगी। अरे नहीं लगता आग लगने वाली है, मम्मी मैं जल रही हूँ। लगता है मैंने ज्यादा कर दिया है, मुझे उसे सारी मिर्च नहीं खाने देनी चाहिए थी। रुको केट मैं तुम पर पानी डालती हूँ। ओह कितना अच्छा, धन्यवाद।
पहले पहिया घुमाने की मेरी बारी है। कैक्टस? अरे नहीं, लेकिन यह कांटेदार होगा, मैं इसे कैसे खाऊंगी? एक सेकंड रुको, मेरी राय में ये गलती है। फ्रेंच फ्राइज पर पहिया रुक गया है। ठीक है, कोई चीटिंग नहीं। हाँ सही है, मुझे बेवकूफ मत बनाओ। अब मैं पहिया घुमा रही हूँ, कुछ मुझे बता रहा है कि मुझे कुछ स्वादिष्ट मिलेगा। गम? मुझे एकदम सही लग रहा था। वाह, इतनी सारी वैरायटी, तो मुझे उनमें से कम एक दे सकती हो? नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं खुद सब कुछ खाना चाहती हूँ। मुझे लगता है कि यदि रंगों को मिलाते हैं तो ये बहुत सुंदर और स्वादिष्ट निकलेगा। ओह माय गॉड, कितनी स्वादिष्ट खुशबू आ रही है, मैं शायद इसे खाने से खुद को रोक सकती हूँ। ये बहुत अच्छा निकला, मुझे ये केक लेने में कोई दिक्कत नहीं है। सजावट के लिए सभी च्युइंगम का उपयोग करना जरूरी नहीं है, इसे ऐसे भी खाया जा सकता है। हाँ तुम सही कह रही हो, देखो मेरे पास एक दिल है। वाह बहुत प्यारा, मुझे लगता है कि ये केक को पूरी तरह से पूरा करेगा। वाह तुम एक बढ़िया डेकोरेटर हो। धन्यवाद। आखिरकार सबसे महत्वपूर्ण समय आ गया है, मैंने जो बनाया है उसे खा सकती हूँ। मुझे कोई संदेह नहीं है कि बिल्कुल स्वादिष्ट है। अरे हाँ, तुम 100% सही हो, मैं तब तक नहीं रुकूंगी जब तक मैं ये सब नहीं खा लेती। केट, लेकिन तुम गंदी हो गई हो, तुम्हारे अच्छे शिष्टाचार कहाँ है? या मान लो कि तुम मुझसे सिर्फ जल रही हो। ओ, मैं पूरी तरह से भूल गई थी कि बबल गम बबल्स बना सकते हैं। शायद तुम अब रुक सकती हो, ये बबल मुझे डरा रहा है, ये बहुत बड़ा है। बस इतना ही, मुझे इसका अंत करना होगा, मुझे माफ करना। तुमने क्या किया मिला? तुम्हारी वजह से मैं च्युइंगम में ढक गई हूँ, ये बहुत बुरा है। लेकिन ये तुम्हारी खुद की गलती है, मैंने तुम्हें रुकने के लिए कहा था। ओह क्या कांटेदार कैक्टस है, मैं इसे नहीं खा सकती। कुछ सोचो, ये तुम्हारी समस्या है। मेरे पास एक आइडिया है, मैं इसे ठीक करने की कोशिश करूंगी। मुझे डर है कि ये कैंची फिट नहीं होंगी, कुछ छोटा होना चाहिए। ये भी बहुत बड़े हैं, लेकिन मैनिक्योर वाले बिल्कुल सही है। मेरे कैक्टस को बाल कटवाने का समय आ गया है, जाहिर तौर पर ये कांटे उसे सूट नहीं करते। तुम्हारा प्लान कैसा चल रहा है? बहुत अच्छा, धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि अब मैं अपने कैक्टस केक को बिना चोट पहुंचाए खा सकती हूँ। लेकिन इतनी देर क्यों लग रही है, मैं पहले से ही सो रही हूँ। अरे उठो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, इसने मुझे चोट पहुँचाई। अपने केक को सजाओ और खाओ। मेरे पास एक आइडिया है, मुझे अपने कैक्टस को ग्लेटर पर रगड़ने की जरूरत है, फिर इसे सजावट के लिए उपयोग करना ज्यादा सुविधाजनक होगा। देखो यह लेयर कैसा है, मैंने बहुत अच्छा काम किया। तुमने अच्छा काम किया, यह पता लगाने का समय है कि इसका स्वाद कैसा है। कैक्टस थोड़ा कड़वा होता है, लेकिन कुल मिलाकर बुरा नहीं होता, यह बहुत बढ़िया बात है।